चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं हम। तो अभी हाल में हम लोग सब सिस्टर से मिलने गए थे, क्योंकि आपको पता है कि ये गुस्सा हो गई थी, क्योंकि हम लोग इनके यहाँ से ही निकल के मैहर माता के दर्शन करने गए थे। तो पन्ना हो गई जाना पड़ता है, और छतरपुर भी बीच में पड़ता है। तो छतरपुर वाला तो मैंने निपटा दिया था, आप लोगों को ब्लॉग भी दिखा दिया है। अब रह गया था इसका, क्योंकि ये तो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी और ये छोटी है मुझसे। और इससे पहले हम छतरपुर बड़ी बहन के यहाँ गए थे। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। देखिए, आदि है, ये बड़ा बेटा है रश्मि का, तो ये लेटा था। और इस टाइम पर गर्मी का तो सबको पता ही है कि कितना चल रहा है। तो सब घर के अंदर पैक हैं, और ये इसकी अंदर एक किचन है। किचन से ऊपर जाने के लिए ये जीना है, सीढ़ियां हैं। और बाहर से मैंने आपको दिखाई दी सीढ़ियां, वहाँ पे बहुत सारे उसने प्लांट लगा रखे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब शौकीन है ये मेरी तरह, इसको भी अच्छा लगता है पौधे गार्डनिंग करना, पौधे लगाना। तो छत पर इसकी बहुत अच्छा गार्डन बनाया हुआ है इसने। मैंने शूट करना भूल गई थी, मैं पेड़ तो वहाँ से काफ़ी पौधे लाई हूँ, लेकिन मैं दिखाना आप लोगों को भूल गई। और बातों में मैं हमेशा भूल जाती हूँ वीडियो बनाना, तो बस मोबाइल एक तरफ रख दिया तो रख दिया। और आप एक्वेरियम देख रहे हैं, ये उसकी के रश्मि के यहाँ है। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे देख के। और ये मनीष हैं रश्मि के हस्बैंड, और आप देख सकते हैं ये दोनों लोग बैठे हैं। तो मैं इन दोनों का वीडियो शूट कर रही थी थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो ये आते नहीं हैं वीडियो में, लेकिन मैंने इसके साथ बनवा ली थी उन्होंने थोड़ी सी, और मना नहीं किया था, तो मुझे भी मौका मिल गया। तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए अगर मिलता है तो। और इसके बाद देखिए, हम लोग गए थे जुगल किशोर जी के मंदिर। तो ये रश्मि के घर से मतलब थोड़ी दूरी पर है, 100 कदम की दूरी पर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतनी दूरी पर ही है। तो इस टाइम पे क्या है कि ये मंदिर यहाँ पे पता नहीं कैसी टाइमिंग है, 1 बजे खुलते हैं। और ये देखिए, हम लोगों के पैर जो हैं ऐसे जल रहे थे जैसे हम लोग गर्म तवे पे पैर रख के निकले हों यहाँ पर, तो बस वही हाल था, दौड़ के निकलना पड़ता था। और ये देखिए, हम लोग अंदर पहुँच गए हैं मंदिर के, और इतना ज़्यादा पैर जल गए थे कि पहले हम लोग बैठे थे कूलर के सामने, फिर इसके बाद हमने दर्शन किए थे। तो ये देखिए, कूलर चल रहा है यहाँ पे, और हम लोगों ने कहा था कि बैठना पड़ेगा, नहीं तो पैरों में ऐसे मतलब लग रहा था जैसे गर्म तवे पे चल के आए हों। तो यहाँ की टाइमिंग जो है दोपहर में ही मंदिर खुलते हैं, तो बस हम लोग यहाँ बैठे थे, वीडियो दिखा रहे थे आप लोगों को, शूट कर रहे थे। ये मंदिर का बहुत ही भव्य मंदिर है, बुंदेलखंड का जाना माना पन्ना के जुगल किशोर जी का मंदिर है। इनके हीरे लगे हैं इनके बांसुरी में, इनकी दाढ़ी में, नाक में, इस तरीके से मैं आपको अभी दर्शन कराऊंगी। और ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ी सी सांस है, और यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है। यहाँ से असली जो जुगल किशोर जी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ से ही दर्शन होते हैं। तो मैंने कोशिश की थी कैमरे में कैप्चर करने की, लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि उनकी मर्ज़ी नहीं थी कि वो कैमरे में आए, और वो अंदर ही बैठे हैं। क्योंकि जब इनकी जो रानी थी वो स्थापना के लिए मथुरा वृंदावन से लेके आई थी इस मूर्ति को, तो इन्होंने यहाँ पे मंदिर कंप्लीट नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पे बिठा दिए थे। सोचा जब मंदिर कंप्लीट होगा तो फिर बिठा देंगे, फिर वो वहाँ से नहीं उठे, तो थक हार के सब दूसरी मूर्ति लानी पड़ी, जहाँ उन्हें उन वाले भगवान को बिठाना था वहाँ पर नहीं बैठ पाए वो जुगल किशोर जी। और ये देखिए, प्रसाद चढ़ा दिया है इन्होंने, और माला वगैरह पंडित जी ने अच्छे से डाल दी है। अब इनको भी यहाँ से दर्शन कराएंगे। तो यहाँ से एक छोटा सा दरवाज़ा है जहाँ पे परिक्रमा लगाई जाती है, तो छोटा सा दरवाज़ा है यहाँ से, उसमें दरवाजे में जो सांस होती है ना जैसे लकड़ी में, तो बस वहाँ से एक आँख से देखने को मिल जाते हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ से नहीं उठे थे। तो ये इनकी कहानी है, और यही मतलब मुझे पता है कि ये बताया था। तो जिन लोगों को पता होता है यहाँ से दर्शन कर लेते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता होता है वो वहीं जो दूसरी मूर्ति है उन्हीं के दर्शन करते हैं। वैसे भगवान तो एक ही होते हैं, लेकिन एक यहाँ पे बैठे हैं राधा कृष्ण जी हैं, और बिल्कुल सेम वही मूर्ति है जो वहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर में फ्रंट पे बैठी विराजमान है। बस वही मूर्ति पहले लेके आए थे वो लोग, लेकिन वो उनकी प्रतिमा जो है नहीं उठी, इसके बाद उन्होंने दूसरी बिल्कुल वही प्रतिमा ला के वहाँ पर स्थापित कर दी, और ये वाली मूर्ति जो है अंदर रखी। और संयोग और ये रश्मि का बेटा
बरेण्यम, ये मतलब दोनों इन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं था, बस इन्हें तो अच्छा मिल गया, यहाँ पे अच्छा ग्राउंड था खेलने के लिए, कूलर चल रहे थे तो बढ़िया अच्छे दौड़ लगा रहे थे, तो बस यही कर रहे थे ये लोग। और चलिए मैं आपको अभी दर्शन करवाऊँगी। तो ये देखिए, ये हैं हमारे यहाँ के जुगल किशोर जी और राधा रानी हैं साथ में, ये पंडित जी हैं जो सबका प्रसाद चढ़ा रहे हैं और अभी ये मुझे भी प्रसाद देंगे। तो ये देखिए, पता नहीं ये गुनगुन को कैसे पहचानते थे, उन्होंने गुनगुन से बात करना शुरू की तो फिर उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारी माता जी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, ऐसे करके बुला लिया और ये प्रसाद वगैरह इन्होंने दिया। तो ये देखिए, हम लोग फिर दोबारा से बैठ गए थे थोड़ा सा, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मंदिर के जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीनरी लगी हुई है, फ़ोटो लगी हुई है भगवान की, बहुत सुंदर सुंदर लगी हुई हैं। और हम लोग जब पढ़ते थे तो हिंदी में जो दोहे वगैरह होते थे ना, रस खान के, कबीर के, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं वही आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए, राधा कृष्ण की सुंदर सी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। तो बस ये मैंने यहाँ पे दर्शन किए, और इस बार क्या है कि मैहर माता के दर्शन करने गए थे हम लोग, तो बस हमारे जो दोनों बहनें हैं ये रास्ते में ही पड़ती हैं, तो हम मैं छोड़ के आ गई थी इन लोगों को, तो फिर दोबारा से जाना पड़ा मुझे। मतलब इतना लोगों ने, इसने तो फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया था रश्मि ने, ये कहती थी कि हम तो पहचानते ही नहीं हैं तुम कौन हो, तो ऐसा हो जाता है, तो फिर मुझे दोबारा से उतना ही जाना पड़ा। इससे अच्छा पहले ही हम लोग हो लेते 10-10, 5-5 मिनट, तो ये सब हमें दोबारा से नहीं करना पड़ता। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर हम 10-5 मिनट बैठते तो हमें ये दर्शन नहीं मिलते, क्योंकि हम लेट हो रहे थे तो हम वहाँ बैठ के ही वापस आ जाते, और हम जब अलग से गए थे तो देखिए हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए हैं जुगल किशोर जी के। और आगे भी हम कई मंदिरों में गए थे, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं पन्ना में। तो ये पन्ना है हीरो का शहर, जिसको कहते हैं पन्ना, यहाँ हीरे मिलते हैं और वैसे फेमस है हीरों के लिए पन्ना, तो बस पन्ना में ही हम लोग। तो अब हम लोग वापस आ रहे हैं, तो यहाँ से मैं बाहर से आप लोगों को दिखा रही थी मंदिर, यहाँ से एंट्रेंस है, अंदर जाना पड़ता है। और ये देखिए, वैसे यहाँ पे हर मंदिर के भगवान ऐसे इस तरीके से स्थापित किए गए हैं कि मेन रोड से आपको उनके दर्शन हो जाएंगे, यहाँ से आपको सीधा भगवान दिखते हैं जो फ्रंट पे ही बैठे हैं। तो यहाँ से मैं आपको मतलब दिखा रही थी, तो रोड से ही दर्शन हो जाते हैं, जब शाम को आरती वगैरह होती है, लाइटिंग हो जाती है ना, तो रोड से निकलने वाले भी दर्शन कर लेते हैं, इस तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पे सारे मंदिर इसी तरीके से हैं कि रोड से चलते हुए आदमी भी दर्शन करते जाएँ, अंदर अगर जिसको नहीं जाना है तो यहाँ से हम लोग बाहर आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत चिलचिलाती धूप है, और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है कि सहन शक्ति से बाहर है। लेकिन फिर भी यहाँ आए थे तो जाना सोचा कि चलो हो लेते हैं। और इसके बाद देखिए, वहाँ से लौटने के बाद थोड़ा थोड़ा सबकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और आदत नहीं होती है हम लोगों को इस तरीके से निकलने की। अब हम लोग वापस आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे दिख जाएगा गन्ने का जूस, तो हम लोग पियेंगे गन्ने का जूस, क्योंकि गर्मी है और आप समझ सकते हैं किसी के भी दरवाजे में बैठ गए थे हम लोग, पता नहीं किसका दरवाज़ा था, डर लग रहा था कि कोई खोल देगा दरवाज़ा, तो उसके दरवाजे पर हम लोग सारे बैठ गए थे, वहीं बैठ के जूस पिया था। और उसके बाद घर आ गए थे रश्मि के, फिर इसके बाद और कई मंदिर गए थे हम लोग घूमने। तो ये हो जाता है, तो इस चक्कर में रश्मि बुरा ना मान जाए, गुस्सा हो गई थी, इसीलिए हमें दोबारा से जाना पड़ा। और ऐसे ही हमें संध्या के यहाँ भी जाना पड़ा, वो बड़ी है मुझसे, ये छोटी है, तो हमारे यहाँ वैसे छोटी बहनों के यहाँ जाते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, लेकिन मैं तो चली जाती हूँ छोटी के यहाँ भी। ये देखिए रश्मि, हम सब बैठ गए हैं और मनीष नहीं आए थे क्योंकि उन्हें ऑफिस का कुछ काम था, तो वो ऑफिस चले गए थे। और ये देखिए संयोग, बरेण्यम और आदि भी नहीं आया था, बड़ा बेटा जो रश्मि का वो भी घर पे ही था। तो अब हम लोग जूस पियेंगे और जूस पीने के बाद बस घर आ जाएंगे, और फिर इसके बाद दोबारा से दूसरे मंदिर जाएंगे, तो वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि और हम कहाँ कहाँ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर हंसी मजाक हो रहा था, और छाया तो थी, धूप नहीं लग रही थी, लेकिन जो धूप की लपलपी होती है वो मतलब धूप से भी ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ बैठ के और जूस पिया और उसके बाद घर आ गए। तो आप लोगों को हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें वीडियो को, नए आने वाले सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले